अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद हुक्का लाउंज को बंद करा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा, चुनाव के पहले उन्हें ये सब और नशा याद आता है, वे खुद नशे में हैं। अब जब चुनाव का समय आया है तो इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है, लेकिन चुनाव तक अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। नाथ ने कहा, हम नहीं चाहते कि आज की नई पीढ़ी शराब से जुड़े। उसके लिए जो रणनीति मध्य प्रदेश के हित में क्या है, इसके लिए मैं एक समिति बनाऊंगा ताकि उसमें सब अपनी बात रख सकें। कमलनाथ ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा, उनसे मेरा पुराना संपर्क था। जब मैं उनसे कहता था कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है, तो वे मुझे अपना जहाज दे देते थे। बहुत पुराने निकट संबंध थे। मैं उन्हें केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज सेवक मानता हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब संसदीय कार्य मंत्री था, तो हर हफ्ते में 3-4 बार शाम को उनके साथ बैठता था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। सबका समय आता है कि, लेकिन ये स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। विधायकों के मामले पर जांच समिति गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बनाई है। वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसे अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। सब दशहरे में लगे थे, मैं चाहता था कि वे 3-4 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दें, लेकिन सब त्योहारों में लगे हुए थे। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के कार्यक्रम को लेकर कमलनाथ ने कहा, ये इवेंट का सरकारी कार्यक्रम है। मैंने जो महाकाल के लिए किया था, वो रिकॉर्ड पर है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं। अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कर्जा माफ हुआ वो हमने किया। जनता सब समझ रही है और इन्हें जवाब देगी। ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए कभी प्रधानमंत्री को बुलाओ, धार्मिक कार्यक्रम करो, इन सब भावनाओं से कुछ नहीं होता। जब मैं सीएम था, तब मैंने श्रीलंका के प्रतिनिधियों से मीटिंग कर मंदिर बनाने का स्थान तय किया था। इसी बात का मुझे दुख है कि जो हमने शुरुआत की थी, उसे हम पूरा नहीं कर पाए। जिन चीजों की हमने शुरुआत की थी, उन पर हम आगे बढ़ेंगे। किसानों की कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू करेंगे, किसानों को मुआवजा मिले। नीमच मंदसौर के किसान याद कर रहे हैं, उन्हें 7 दिन के अंदर मुआवजा मिल गया था। आज कोई पटवारी तहसीलदार नहीं पहुंच रहा है। किसानों की फसल ही नहीं, उनका भविष्य खराब हो गया। कारम डैम में किसानों की फसल के साथ जमीन खराब हो गई, वह जमीन खेती के लायक नहीं बची। हर वर्ग परेशान है, नौजवान, शिक्षक, डॉक्टर, सभी परेशान हैं। सिर्फ बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ता जो बटोरने में लगे हैं, वे ही खुश हैं। शिक्षकों, नौजवानों पर लाठी चार्ज हो रहा है। ये चाहते हैं कि सबकी आवाज लाठी के दम पर दबा दी जाए। आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, पूरे दक्षिण में भाषा का विवाद हो रहा है। कौन से बीज हम बो रहे हैं? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोप पर कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने हमें भर्तियों की शुरुआत की थी। 15 महीने से हमें 11.5 महीने की सरकार भी 2.5 महीने लोकसभा चुनाव में चले गए थे। मेरा प्रयास मध्य प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश करनी थी। जो 15 साल पहले IAS IPS बना, उनसे सिर्फ बीजेपी देखी थी। सभी को पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, चुनाव के पहले उनको ये सब याद आती है, नशा याद आता है, खुद ये नशे में रहे। अब जो समय आया है, हाँ, ये इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है, पर ये अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं उनसे कहता था कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है, वो अपना जहाज मुझे देते थे। बहुत पुराने निकट संबंध थे मेरे, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, हफ्ते में 3-4 दफ़े शाम को हम बैठते थे, तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सबका समय आता है, पर ये स्वीकार करना बहुत कठिन होता है।